एवं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी को निमंत्रित करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और हमारे शो का उद्घाटन करें, और साथ ही साथ मैं अपने हमारे सर जो इस शो के आयोजक हैं मिस्टर अशोक भारती जी, उनको भी बुलाना चाहती हूँ कि वो भी उन सर के साथ आए। मिस्टर अशोक भारती जो कि हमारे शो के आयोजक भी हैं और क्रिएटर फिल्म्स के सीईओ भी हैं, जी भारती चैनल के डायरेक्टर भी हैं, और मैम, इन मैम को तो हम मिस कर ही नहीं सकते। डांस का शो है और कोरियोग्राफर ना हो रिनोन कोरियोग्राफर काजोल मैम जो कि पिछले 8 साल से गुड़गांव और दिल्ली में डांसिंग की क्लासेस ले रही हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको डांस सिखा रही हैं। तो डांस की प्रेरणा हमारे जो काजल मैम है वो बच्चों को भी देंगी भी, हमारी हमसे बात भी करेंगी, उससे पहले एक बार शो का उद्घाटन हो जाए। तो बनती है, भगवान जी के सामने वंदना कर रहे हैं हम। ये उद्घाटन तो एक बहाना है, हमें तो जो हमारे करीब हैं उनको पास में लाना है, और आज ये जो शुरुआत होती है उससे अच्छा मौका कभी नहीं होता कि जो हमको जानते हैं, ये जो हमसे मिलते हैं, उनको बुलाया जाए। छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर कितने प्यारे लगते हैं ना, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से अपने आप गेटअप में आया है, कोई चिकनी चमेली बन के आया है, कोई कमली बन के आया है, बट सब लग बिल्कुल ढिंचाक रहे हैं। और अभी जो मेरे सामने सबसे पहला बच्चा आएगा, उनका सॉन्ग है बाल बसेरा। क्या आपने आलू चाट मूवी देखी है? आलू चाट मूवी नहीं देखी? आलू चाट तो खाई है ना? आलू चाट खाई है? अरे कोई रिप्लाई नहीं है, खाई है, वेरी गुड, ऐसे रिप्लाई देते रहा करिए। आलू चाट अगर खाई है तो आलू चाट को जितना एंजॉय करके खाया है ना, उतनी इस परफॉर्मेंस को भी एंजॉय कीजिएगा, बिकॉज जब तक आप दिल से एंजॉय नहीं करेंगे ना, आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चाहे मैं कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करवा दूँ, दिल से एंजॉयमेंट नहीं आती तब तक कुछ एंजॉय नहीं हो पाता। तो अभी हमारे सामने हर्षिता परफॉर्म करेंगी, जिनका सॉन्ग है बाल बसेरा फ्रॉम द मूवी आलू चाट, और उनकी उम्र है 9 साल। सिर्फ 9 साल की बच्ची जो है अभी परफॉर्मेंस देने जा रही है, तो उसका जो हौसला है वो आप बढ़ा सकते हैं अपनी एक ताली की गूंज से। क्या वो ताली की गूंज मुझे मिल सकती है? All the best, Harshita. Strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as mean as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. कैसा लगा परफॉर्मेंस करके? अच्छा, इतना सारा मेकअप किया, आप परफॉर्मेंस भी कर दिया, थोड़ा फुर्ती लाओ यार, थोड़ा अच्छा से बोलो, थोड़ा अच्छा, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। थोड़ा और? बहुत अच्छा। अच्छा, कब से डांस सीख रहे हो आप? फोर इयर्स से। तो आपको कौन सा कोई फेवरेट स्टाइल है आपका, डांस स्टाइल जो आप ज़्यादा पसंद करते हो? कोई नहीं, तो अभी जो परफॉर्मेंस दी आपने, बेसिकली आपको किसने सिखाया ये परफॉर्मेंस? हरीश सर ने। आपके डांस टीचर हैं हरीश सर? ओके, तो उनसे कुछ कहना चाहते हो आप? थैंक यू सर, आप मुझे इतना अच्छा डांस। आपके साथ आज यहाँ आपकी मम्मा आई हैं, उनको कुछ कहना चाहते हो? मम्मा को कुछ नहीं कहना, सर को कह दिया थैंक यू। मम्मा को तो बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू बनता है, वो आपके साथ आई, आपका टचअप किया, मैंने देखा कितना आपको तैयार किया। अब मम्मा को कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोला? थैंक यू मम्मा। आपने हरीश से अब कौन सा स्टाइल सीखोगे? हिप हॉप। तो आप लोग हिप हॉप के लिए तैयार रहिएगा, हर्षिता आप हिप हॉप करने जा रही है, तो तब तक अभी हम हर्षिता को देते हैं इजाजत, और आगे उनको कॉम्पिटिशन लेवल में देखेंगे एक न्यू स्टाइल के साथ, यानी हिप हॉप के साथ। थैंक यू हर्षिता। तो आप लोगों ने अभी आलू चाट इंजॉय करी, समझ गए आप लोग। अब जो हमारी नेक्स्ट बंदी है कोमल, इन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, अभी हमारा वीकेंड ब्लास्ट हुआ था, तो उन्होंने दमदार, इतनी दमदार परफॉर्मेंस दी थी कि सब लोगों ने कहा था वंस मोर वंस मोर।
तो वंस मोर पे उन्होंने दोबारा परफॉर्मेंस दी थी. किस गाने पे मुझे शायद याद करवाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी करा देती हूँ. बेबी डॉल का गाना, मगर आज ये बेबी डॉल थोड़ा अलग रंग से आई हैं, थोड़ा बन ठन की आई हैं और परफॉर्मेंस देने वाली हैं कमली कमली पे. तो आप सब लोग इस कमली को देखने के लिए तैयार रहेगा, बिकॉज ये कमली का डांस सच में बहुत दमदार है. मतलब अपनी बेटी से इतनी खुश है
बेबी डॉल के बारे में उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ मेरी बेटी ने कैसे परफॉर्मेंस की। मैम आज आपने देख लिया, दासु थी, धमाकेदार थी, मैंने जो कहा था वो गलत था, बिल्कुल नहीं हुआ ना। तो आपकी जो परफॉर्मेंस थी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो उन्होंने स्टेप्स किए यहाँ पे वो इनके जिमनास्ट की बदौलत है। इन्होंने डांसिंग की कोई ट्रेनिंग ले ली है। तो अगर आप लोगों को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है कि डांस के बिना ट्रेनिंग के बावजूद इतना अच्छा कोई परफॉर्मेंस दे सकता है, तो थोड़ी तालियां बजा दो यार, बजाते रहो, अच्छे लगते हो बजाते हुए। और अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, उस बार आपने कहा था कि कुछ धमाकेदार होगा, धमाका हुआ, अब आगे इससे भी ज़्यादा धमाका, एटम बम फूटेगा। हाँ, तो स्टेज को मैं थोड़ा तगड़ा बनवा लूँगी ताकि एटम बम फूटे तो भी स्टेज को कुछ खतरा ना हो। हमारे दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ कहना है? बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो आप सब लोग केयरफुल हो जाइए, बिकॉज हमारी दमदार पार्टिसिपेंट कोमल आ रही है, नेक्स्ट कंपटीशन का लेवल है, वहाँ पे हम मिलते हैं कोमल से। तो तब तक के लिए आप प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए, हम आपसे मिलते रहेंगे कोमल। थैंक यू कोमल।